विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही हुई है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया और इसके साथ ही सीडीएस विपिन रावत समेत सभी शहीदों को और सुखदेव राजभर को श्रद्धांजलि दी गई। निर्वाण दिवस के अवसर पर उनका स्मरण करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का व्यक्तित्व भारत को अध्यक्ष जी, वर्तमान विधानसभा के सदस्य एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर जी का 18 अक्टूबर 2021 को लगभग 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री सुखदेव राजभर इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। राजनीतिक क्षेत्र में उनकी दीर्घ अनुभव था। वे सर्वप्रथम वर्ष 1991 में, तत्पश्चात वर्ष 1993, 2002 एवं 2007 में निर्वाचन क्षेत्र लालगंज तथा वर्ष 2017 में निर्वाचन क्षेत्र दीदारगंज जिला आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 5 बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1997 से फरवरी 2002 तक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री सुखदेव राजभर जी वर्ष 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। वर्तमान विधानसभा में अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी थे। श्री सुखदेव राजभर विधानसभा एवं विधान परिषद के विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने श्री मुलायम सिंह यादव जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री, सुश्री मायावती जी एवं श्री कल्याण सिंह जी मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के मंत्री पद के दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। श्री सुखदेव राजभर एक जनप्रिय नेता थे। उनके व्यक्तित्व में सादगी, सरलता और कर्मठता अपने आप में मिसाल थी। उन्होंने समाज के दलित, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। अखिल भारतीय राजभर महासंघ के कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष भी रहे। वे एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित रहे। श्री सुखदेव राजभर के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। महोदय, मुझे एक दुखद समाचार और देना है कि दिनांक 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी सहित 11 अन्य सैन्य अफसर कर्मियों का एक असामयिक एवं दुखद निधन हो गया। जनरल बिपिन रावत सैन्य स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु के एक समारोह में भाग लेने जा रहे थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना संपूर्ण राष्ट्र के लिए दुखद है। मैं इस दुर्घटना में दिवंगत जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरकल प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक
से भी साई तेजा के प्रति श्रद्धांजलि। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।